डांस डांस विथ मी पारी नशा एंड मेरे हिसाब से डांस ब्रेक्स ऑल बैरियर चाहे वो एज का बैरियर हो चाहे वो जेंडर का बैरियर हो चाहे वो प्रोफेशन का बैरियर हो कौन कहता है एक पुलिस वाला डांस नहीं कर सकता सो विथ मी नो माई नेक्स्ट गेस्ट ऑन डांस डांस विथ परी इज

बट uh, जब भी मेरा वीक ऑफ वगैरह रहता है ना वो टाइम पे मैं ये सब चीज़ करता हूँ लाइक या फिर शाम को जब ड्यूटी छोड़ के घर जाता हूँ तो थोड़ा प्रैक्टिस कर लिया फिर वीक ऑफ जब मिलता है एक दिन का छुट्टी मिलता है तब उसमें फिर शूट कर लिया ये वो तो वैसे एडजस्ट करना पड़ता है सब चीज़ <laughs> तो ये हमेशा से शौक़ रहा है डांस का हाँ मेरा हमेशा हमेशा से शौक़ था ये पूरा बचपन से ही था बचपन में आ, मेरे बड़े भाई साहब जो है वो डांस करते थे और मैं वो छोड़ा था तभी वो टाइम पे तो हमारे घर में फैमिली फंक्शंस वगैरह रहते थे तो वो टाइम पर भाई डांस करता था ऐसे सब तो फैमिली वाले नहीं गया पैसा वगैरह देते थे हाँ। तो पाँच रुपया ये दो रुपया नहीं अभी पाँच रुपया दो रुपया बहुत बड़ी चीज़ होती थी और मैं सब देखता था तो मैं मैं भी डांस करता था बट मुझे कोई पैसा नहीं देता मेरे को देखता ही नहीं था कोई तो फिर मैं रोता था फिर मेरे पापा देखते थे और साइड में आके बोलते थे ले रो मत अच्छा डांस करता है तू भी तो फिर वो टाइम पे मैंने सोच लिया लाइक चलो मैं भी डांस करता हूँ तो तभी से जो अंदर घुस गया डांस का कीड़ा लेकिन अभी भी चालू है तो आपने आ, उस डांस को एज अ करियर परस्यू करने का क्यों नहीं सोचा जब इतना शौक था आपको नहीं शुरुआत में तो सोचा था मैंने जब कॉलेज लाइफ में था मैं डांस के शोज करता था मेरे भाई साहब के साथ में और तभी वो टाइम पे लगता था नहीं कि कहीं कही ना कहीं मुझे कुछ मतलब ऐसा बड़े बड़े स्टेज रहते हैं उनके पीछे जो डांस करते हैं ना कि इवेंट में वगैरह तो कहीं ना एक छोटा सा भी कुछ मिले उनके पीछे लाइक कोरियोग्राफर या डांसर तो वैसा मेरा एक सपना था बट तो, 2004 में मैं पुलिस में भर्ती हो गया तो सब बंद हो गया फिर छोड़ ही दिया मैंने वो टाइम पे फिर पुलिस में भर्ती हो गया फिर थोड़ा दिन में बोला अभी बंद सब तो हमारे नहीं के पुलिस में वो एक शो रहता है तो दिवाली के टाइम में हुँ। तो एक ऑर्केस्ट्रा बन जाता है वहां पे वहां पे सब पुलिस वाले आपको मिलेंगे कोई रिदमिस्ट है कोई सिंगर है हुँ। कोई डांसर है तो थोड़े दिन बाद दो चार साल बाद मेरे को पता चला कि ऐसा भी एक शो होता है वहां पे तो मैं चला गया ऐसे ही तो मेरा ऑडिशन लेने लग गया सर मुझे क्या कर सकता है तू ये वो, तो मैंने दिखा दिया मैं क्या कर सकता हूँ थोड़ा बहुत तो बेस था ही हाँ। फोक डांसेस करता था मैं वो टाइम पे हाँ। तो मैंने दिखा दिया तो खुश हो गए फिर तभी से उनके शो में डांस करना चालू किया बस ये दिवाली के टाइम पे रहता है और वो भी मतलब जो पुलिस की फैमिलीज है ना हाँ। उनके लिए इंटरन है चार पाँच हेड क्वार्टर है वहाँ वो हेड क्वार्टर पे जाके वो एक ऑर्केस्ट्रा चलता था तभी फिर उधर करना चालू किया फिर थोड़े दिन बाद वो भी बंद कर दिया मैंने तो आ गया टिकट तो टिकटॉक पे मैंने देखता था ऐसे इस वीडियोस, तभी मैं स्पेशल फोर्स में था तभी अच्छा। और ऐसा फ्री टाइम मिलने का ना तो मैं और मेरे दोस्तों से कॉमेडी वीडियो बनाने के ऐसे, हाँ, बट एक दिन मैंने डांस का वीडियो डाल दिया ऐसे हाँ। फोन रख दिया मिला चल जो भी है आता है तो कर लूंगा और वो डांस का वीडियो थोड़ा चला थोड़ा नहीं बहुत अच्छे से चला गया <laughs> <laughs> तो मुझे तभी यकीन आ गया कि नहीं अब ये सब कॉमेडी औमेडी नहीं भाई अपनी ताकत डांस हाँ, लोगों को डांस चाहिए शायद से तो मैं और वीडियो बनाता गया तो और पब्लिसिटी मिलती गई लोगों को अच्छा लगने लग गया फॉलोअर्स बढ़े तो थोड़ा मोटिवेट भी हुआ, <laughs> हुआ। फिर टिकटॉक हो गया बंद आ गया इंस्टाग्राम रील वो मेरे को पता नहीं था पहले अच्छा मेरे हाँ। को आज तक के मतलब यूज करने नहीं आता मतलब क्या होते हैं आपके तो फिर वो टिकटॉक बंद हो गया फिर फिर छोड़ दिया फिर बहुत सारे ऐप थे टिक्की विक्की बहुत सारे ऐप थे बट कोई टिकटॉक के जैसा मतलब दिखा नहीं मेरे को कोई ऐप तो मैंने मैं बोला जान फिर एक फ्रेंड ने मेरे को बोला कि रील्स चालू हो गया रील सेक्शन इंस्टाग्राम पे अभी मैं इंस्टाग्राम पता भी नहीं था इंस्टाग्राम के फिर मैंने इंस्टाग्राम डाउनलोड किया फिर देखा क्या है फिर उस पर जो पुराने जो टिकटॉक के वीडियो सेव करके रखे थे ना वो डालने का चालू किया हम्म फिर वहाँ के जो फॉलोअर्स थे फैंस थे वो यहीं पे आके फॉलो करने लग गए फिर मैं चलो इधर भी करते हम्म ऐसे करके आज देखो आज ब्लू टिक है इंस्टाग्राम पर <laughs> <laughs> पर एक बात बताओ मुझे जब क्योंकि आप अपनी ड्यूटी भी करते हो साथ में एंड फिर अपने अपनी खुशी के लिए आप डांस भी करते हो इसमें इस या तो बैलेंस करने में कोई चैलेंजेस आपको फेस करने पड़े आ, लोगों का रिएक्शन क्या था आ, बहुत शुरुआत में तो बहुत मतलब मतलब मैंने बहुत फेस किया लाइक क्या मतलब लोग बोलते थे ना क्या है क्या कर रहा है तू तो पुलिस में है क्यों ये सब चीज कर रहा है लाइक उम्र देखते रहा ये वो पट वो टाइम पे अगर वो लोग का सोचता मैं तो आज इधर नहीं होता लाइक मैंने कभी नहीं सोचा मैंने डांस के अपने खुद के लिए किया जी और वही मैं दिखाना चाहता था लोगों को जो मैं पहले मेरा सपना था कि स्टेज पे आके नहीं क्या एटलीस्ट पीछे तो डांस करूँ बट अब जाके हो रहा है तो क्यों नहीं करूँ मैं क्यों लोगों का सुनू बट तो मेरी ड्यूटी भी कर रहा हूँ मैं मेरे फ्री टाइम में कर रहा हूँ तो लोगों को वही पसंद आ रहा है और मैं आगे भी करता रहूंगा बिल्कुल करना चाहिए अगर आप किसी तक पैर चलेंगे

और वो ऐसा उसके पैर वेर वो नहीं क्या हाँ <laughs> तो मैं भी वही देख देख के वो ट्राई करने का सोचा अभी मतलब ऐसा कोई आ, मतलब सभी फेवरेट है जो भी डांसर है त्री, तीन नाम बताओ मुझे जिनका डांस आपको बहुत पसंद है मैं आपको एक कोरियोग्राफर बताता हूँ मतलब डांस का तो था ही मेरे अंदर बट डी आई डी जब से आया डांस इंडिया डांस हाँ। तो मैंने धर्मेश सर को देखा धर्मेश लांडे Hmm. और तभी मेरे को पता चला कि ये लिरिकल हिप हॉप क्या होता है <laughs> मैं वो उनके बहुत उनका बहुत बड़ा फैन हूँ मैं सर का hmm. तो उनको उनके वीडियोस वगैरह वो सब टीवी शोज पूरा देख देख के मैं मतलब बहुत मोटिवेट हुआ फिर उनके वीडियोस देख के मैं कॉपी करता था ये वो ऐसा बट हीरोज में देखो तो ऋतिक रोशन है

है ना क्या जंप वे सब बट उनका भी डांस बहुत अच्छा है वो ग्रेविटी को डिफाई करते हैं टाइगर श्रॉफ हाँ ग्रेविटी हाँ। पर एप्लीकेबल हाँ, ही नहीं है कहाँ <laughs> कहाँ लैंड हाँ। हाँ। और तीसरे ऐसे कोई याद नहीं आ रहे लेकिन डांस इसमें आपकी स्टाइल तो पुरा, पुराने इसमें आप देखोगे तो मिथुन मिथुन दा है ही कोई जवाब ही नहीं वो टाइम पे है ना फिर मुझे ऐसा लगता है आप जिस खुशी से और जिस एक्सप्रेशन के सॉरी डांस गोविंदा भाई साहब वही बोलने वाली जी गोविंदा जी बहुत मतलब लोग मुझे बोलते हैं कि आप थोड़ा गोविंदा का स्टाइल करते हो बट बत... हाँ हाँ, वो आ ही जाता है मैंने ऐसा किया नहीं कभी गोविंदा का डांस करूँ बट लोग बोलते हैं आप उनका स्टाइल तो मतलब मेरे लिए बहुत अच्छी बात है अगर मैं एक्चुअली स्टाइल नहीं है बात यह है कि गोविंदा भी जब डांस करते हैं वो दिल से करते हैं दिल से है। करते है। And वो बहुत, मतलब वो बहुत खुश लगते हैं जब वो डांस करते हैं एंड आप में भी

Uh, मेरे एक ऑफिसर थे वो जो रिटायर हो गए तो उन्होंने उधर कोकन में उन्होंने घर वर बनाया तो हम लोग उधर गए थे छुट्टी निकाल के सब दोस्त लोग अब वहां पे ऐसा हुआ कि मतलब ट्रैवल करके बहुत थक गए थे एक्चुअली हम लोग और उनके जो दोस्त थे वहां के जो बुजुर्ग वगैरह थे ना वो उन्होंने उनको बुला लिया अब उनको बुला लिया तो मेरा पेट ने बंटी है मेरे को बंटी बोलते सब लोग आजा डांस करके दिखा इनको को डांस करके दिखा डांस करके दिखा अरे मतलब क्या है <laughs> 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 तो मतलब बहुत ऐसे अभी तो आपकी फैन फॉलोइंग बढ़ गई है और आपको एक नया नाम मिल चुका है डांसिंग कॉप कैसा है। लगता है आपको ये टाइटल ये सुनकर बहुत अच्छा लगता है मुझे सुन के लोगों ने इतना प्यार दिया हुआ है और अभी टाइटल भी दिया डांसिंग कॉप का तो मतलब मैं तो अपने आप को नहीं मानता टाइटल दिया है लोगों ने तो ठीक है एक्सेप्ट कर लिया है अभी हम्म तो इंटरनेशनल डांस डे के मौके पर सबसे पहले तो थैंक यू सो मच यहाँ पर आने के लिए Uh, you know, अपनी कहानी शेयर करने के लिए और एक मैसेज आप क्या देना चाहोगे क्योंकि uh, जैसा मैंने कहा डांस के लिए कोई एज कोई जेंडर कोई प्रोफेशन आपको अगर खुशी मिलती है तो हर कोई कर सकता है uh, क्या मैसेज देना चाहोगे आप यू uh, नो you know, आप जैसे ही और लोगों को जिनके शायद मन में है डांस बट यू नो फॉर सो एंड वट एवर रीजन वो परस्यू नहीं कर पाए मुझे लगता है ना पर लोगों को मतलब अपना पैशन दिखाने के लिए थोड़े ओ, शर्म जाते शाई हो जाते कि लोग क्या कहेंगे लोग ये कहेंगे वो कहेंगे मेरे घर वाले क्या कहेंगे है ना तो और अभी टाइम भी नहीं मिलता लाइक मैं सुबह जाता हूँ शाम को आता हूँ और जो छुट्टी का छुट्टी का दिन मिलता है वो सब फ्रेंड्स लोग के साथ में क्या कैसे टाइम निकाले वो सब बट तो, देखो आपका पैशन जो है ना अंदर से निकालो उसको उसके लिए टाइम निकालना पड़ता है जैसे मैं निकाला मैं पुलिस का ड्यूटी करके भी आज ये चीज़ कर रहा हूँ लोगों को पसंद न रहे तो मेरे हिसाब से कि आप लोग भी अपना पैशन फॉलो करो जो भी है आप या तो घर पे नाचो या आप सिंगिंग का है तो आप अपने खुद के लिए करो लाइक दूसरों के लिए मत करो बट जो है आपको खुशी देगा वो चीज करो आपको और खुशी मिलेगी भले आप कोई प्लेटफॉर्म पे मत करो बट अपने लिए तो करो आप कभी जब ड्यूटी पर रहते हो कोई आकर आपको Because आप पर अब इतने फेमस हो चुके हैं सोशल मीडिया पर किसी ने आपको ऐसे पहचाना है थोड़ा मतलब ऑकवर्ड लगता है ये सब मेरे दोस्त लोग भी होते हैं दोस्त लोग कैसे होते हैं आपके पे अगर आप किधर भी जाओ मतलब आप अगर प्राइम मिनिस्टर भी बन जाओगे ना तो दोस्तों के लिए प्राइम मिनिस्टर नहीं होता सही बात है वो तो गाली ही देगी आपके तो <laughs> साथ में रहते ना दोस्त कभी कोई मिल गया कोई फैन फॉलोअर नहीं तो मेरे दोस्त लोग अरे यार तो साइड हट हाँ जाते तो <laughs> ले ले अपना तो लाइमलाइट इनका कर तो हमारे लिए जो है वो ही है ठीक तो, है कितना भी ऊपर जा बट वही है तू ठीक है तो हमारे सामने मतलब वो कर्मक बट वो देखो हमारे दोस्त है तो उनके सामने अगर मैं दिखाऊंगा कि मैं सुपरस्टार हूं ये तो उसका दोस्ती का कोई मीनिंग ही नहीं रहेगा एंड जरूरी ऐसे लोग चाहिए होते हैं जो आपको ऐसे ना ऐसे पकड़ के से रानी क्या है तू <laughs> उड़ मत तो मेरे दोस्त लोग वैसे ही है <laughs> तो अच्छा। बहुत ही बढ़िया थैंक यू सो मच वंस अगेन मोल सर आने के लिए एंड uh, मैं तो बस ये कहना चाहूंगी uh, मुझे डांस से बहुत ज्यादा प्यार है एंड uh, मुझे उन सारे लोगों से प्यार है जिन्हें डांस से प्यार है yes. तो प्लीज आप करते रहो वीडियोस sure. बनाते रहो डांस करते रहो एंड ऐसे ही खुशियां बांटते रहो हैप्पी इंटरनेशनल डांस डे टू यू द सेम सबको मेरी तरफ से हैप्पी इंटरनेशनल डांस डे बस यही बोलना चाहूंगा कि मंजिलें उनको ही मिलती है जिनके सपनों में जान होती है और पंखों से कुछ नहीं होता हौसलों से उड़ान होती है